नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जो उम्र बच्चों की खेलने कूदने की होती है, उस नन्ही सी उम्र में 12 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट रिद्धिमा पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें पर्यावरण से होने वाले नुकसान के प्रति पीएम को आगाह किया है। पत्र में उन्होंने भारत के सभी बच्चों की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी से बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कदम उठाने की मांग की है। रिद्धिमा ने किस्सा भी शेयर किया कि एक बार स्कूल में उनके टीचर ने सभी स्टूडेंट से उनके बुरे सपने के बारे में पूछा, तो रिद्धिमा ने अपने बुरे सपने के बारे में बताते हुए कहा कि मैं स्कूल एक ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आ रही हूँ, क्योंकि हवा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। ये बुरा सपना अभी भी मेरी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि प्रदूषित हवा आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। रिद्धिमा ने कहा कि वो पत्र लिखने के लिए मजबूर थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कोरोना वायरस बीमारी के कारण हम देख पाए कि अगर मानव गतिविधियों को सीमित किया जाता है तो हमारे आसपास प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है, जिससे आसमान साफ और नीला दिख सकता है। इसके साथ ही रिद्धिमा ने अपना दिल्ली आने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि एक बार वो यहाँ घूमने आई थी, लेकिन पॉल्यूशन के कारण यहाँ उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी के बाद रिद्धिमा को लगा कि यहाँ काम करना जरूरी है। पत्र में उन्होंने मोदी से निवेदन किया कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द और उचित कदम उठाएं। बता दें कि रिद्धिमा पिछले कई सालों से विश्व के खराब होते पर्यावरण के खिलाफ लड़ाई लड़ने और लोगों को जागरूक करने का काम करती आ रही हैं। रिद्धिमा का कहना है कि आज केवल भारत में ही पर्यावरण नहीं बिगड़ रहा, बल्कि कि ये एक विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।